नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं राजकीय उद्यान विभाग के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ज्योति सिंह जी से आप स्वयं और किसान भाइयों के लिए जानकारी लेने आए हैं कि जो किसान भाई हमारे फलों के बाग लगाए हैं वो अतिरिक्त आय के लिए और क्या प्रबंधन करें जिससे कि उनके अतिरिक्त लाभ बढ़ें। नमस्कार किसान भाइयों, कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नई हर बार किसान की आय को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक नई स्कीम बना के लेके आते हैं हमारे पास और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अगर आपके पास बाग है तो यूँ मान लें कि आपके पास मदर प्लांट है और किसी भी नर्सरी के कार्य को करने के लिए उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास मातृ वृक्षों और चिन्हित मातृ वृक्षों, और मातृ वृक्ष चिन्हित होने का तात्पर्य यह है कि वो स्थापित हों और जिनकी फलत से और उनकी उपज से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हों। तो जिन किसान भाइयों के पास बगीचे होंगे उन्हें ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो प्रजातियां हैं वो कितनी अच्छी हैं, उनकी फलत कैसी है और उनका रंग स्वरूप और उनका स्वाद कैसा है। तो ये चीज़ अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा समस्या समाप्त हो गई कि हमारे पास मदर स्टॉक हमारे पास चिन्हित है और हमें इनसे पौधे तैयार करने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास अच्छे बाग हैं और मदर स्टॉक के रूप में आपने उनको चिन्हित कर लिया है तो ये बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है कि आप अपनी एक नर्सरी खुद की स्टेब्लिश कर सकते हैं और जिनमें पौधों का उत्पादन प्रारंभ करेंगे। देखिए, कुछ तकनीकी जानकारी इस स्तर पर बता देना बहुत आवश्यक होगा कि जो नर्सरी स्टेब्लिश की जाती है, विशेष तौर से फल पौध की जो नर्सरी है, उसके लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से आपको एक लाइसेंस लेना होगा। अब लाइसेंस लेने के नाम पर आप डरिए मत, लाइसेंस बहुत आसान है। आपको सिर्फ इस पे ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, अपने डॉक्यूमेंट वहीं किसी भी जन सहज सेवा केंद्र के माध्यम से उसको अपलोड कर देने हैं और अपलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी जो है वो जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय जिस जनपद में स्थापित है वहाँ पर ले जाके संबंधित पटल सहायक को या संबंधित जिला उद्यान अधिकारी को आप उपलब्ध करा दें और कह दें कि साहब हमारी ये फीस जमा करा दें और हमारा जो है रजिस्ट्रेशन करा दें। तो ये बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, तो इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत साधारण सी फीस आप जमा कर लें जो कि क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित है। तो ये प्रक्रिया जो है प्रारंभिक अवस्था में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उद्यान विभाग द्वारा आपकी बाग का सत्यापन किया जाएगा, आपके नर्सरी स्थल का सत्यापन कर लिया जाएगा और सत्यापन करने की जो कार्रवाई है जिसमें नर्सरी नक्शा है और आपके ज़मीन की खतौनी है, ये सब चीज़ें जब अपलोड हो जाएंगी, हार्ड कॉपी तैयार हो जाएगी, तो हम आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे और ये रजिस्ट्रेशन हमको जो है मिलेगा वहाँ से निदेशालय से और उसकी एक पंजिका मिल जाएगी और उस पंजिका का आप इस्तेमाल करें। 5-5 साल तक की फ़ीस भी जमा कर देंगे जिसमें 1 साल की आप माफ़ हो जाएगी, तो 4 साल की फ़ीस में आपको 5 साल का पंजीयन मिल जाएगा, तो 5 साल के लिए आप नर्सरी अपनी चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ तकनीकी बातें, लेकिन अब किस तरीके से नर्सरियों का प्रबंधन किया जाए और क्या वैज्ञानिक तकनीकी हम अपनाएं जिससे कि हमारे पौधे जो है मानक के अनुसार तैयार हों और मार्केट में उनकी बिक्री भी हो सके और हमारी शाख भी बनी रहे। तो शाख बनने के लिए आपके पीछे आपका बाग खड़ा हुआ है, उसकी फलत आपके पास रखी हुई है, आप उसको अपनी नर्सरी के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, उसको मार्केटिंग करते समय टैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रजाति हमने यहाँ से चुनी है, ये मार्केटिंग की थोड़ी सी अच्छी तकनीक है कि आप टैगिंग में अपने बाग का फोटो और फलत के साथ लगा दें कि साहब ये प्रजाति है और ये फलत आप देख लें। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके पास बहुत आसानी से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन भी हो जाएंगे और प्रक्रिया भी आसान आपके लिए हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि साहब किस किन पौधों की नर्सरी किस किस तरीके से लगाई जाए और कैसे किया जाए। तो आप देखिए, मुख्य रूप से हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें इसमें आप देखेंगे कि आम है, अमरूद है, आंवला है, कुछ जगह लीची की भी होती है, आप देखेंगे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, साथ ही साथ अन्य ऐसे छोटे छोटे ऐसे फल हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हम, जैसे कटहल है, जामुन है, शहतूत है, ये सब भी बड़े उपयोगी हैं और इनके भी औषधि का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इनके भी हम बागवानी कर सकते हैं। आज आप कटहल का पौधा मांगने जाइए अच्छी प्रजाति का पौधा ही नहीं मिलेगा आपको, जामुन के पौधे की बात करिए तो आपको दिक्कत आएगी, आम अमरूद तो हर जगह मिल जाएगा। तो किसान भाई जिनके पास मदर स्टॉक के रूप में अच्छे जामुन के हैं या शहतूत के हैं, कटहल के पौधे हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करके एक अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
तो नर्सरी तैयार करने के लिए दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमारे पास रूट स्टॉक कैसा होना चाहिए। देखिए, स्थानीय तौर पर जो रूट स्टॉक होता है, जो किसान के अपने बगीचे में बहुत से बीजू पौधे होंगे, वो जो रूट स्टॉक है उस बीजू पौधे से तैयार किया जाता है, वो स्थानीय जलवायु के रूप से अनुकूल होता है और उस जलवायु में ढला बढ़ा होता है, तो उसमें रोग कारक भी बहुत कम असर करते हैं। तो उन तरीके के रूट स्टॉक का आप चयन अपनी जो है बाग से तैयार करके, जो रूट स्टॉक के लिए पौधे हैं उनके बीज वहाँ से तैयार कर लें और उनको कोशिश ये करें कि पॉलीथीन के बैग में उनको डालें। तो पॉलीथीन के बैग डालने के लिए ज़रूरी है कि पॉलीथीन की बैग की साइज़ का भी आपको अंदाज हो, तो कम से कम 20 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर की अगर आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करें और उसमें एक हिस्सा आप सड़ी गोबर की खाद रख लें, एक हिस्सा आप अपनी मिट्टी का इस्तेमाल कर लें और अगर हो सके थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का भी अगर आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है ये बड़ा उपयोगी साबित होगा और इसमें जो है इसकी जो बढ़त है पौधों की वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसकी बिजाई आप उनके फलों के बीज कलेक्ट करके उनको साफ़ सुथरा करके कलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि बीज जो आपके किसी तरीके के रोग के संवाहक ना हो, वो बिल्कुल शुद्ध हों और बढ़िया हों, जैसे कि उसमें कोई रोग ना आने पाए, तो उनकी बिजाई कर दें। तो आपका ये देखेंगे 3 से 4 महीने के बाद आपका रूट स्टॉक बिल्कुल तैयार है। अब इस रूट स्टॉक पर आपको करना क्या है, कलम बांधने की प्रक्रिया करनी है। तो कलम बांधने की प्रक्रिया करने के लिए जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपने मदर स्टॉक अपने चिन्हित कर लिए हैं और उन मदर स्टॉक से आपको लकड़ी लेने हैं या जिसे हम अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तो साइन आपको लेना है और लेने के बाद फिर उसको आपको ग्राफ्टिंग करनी है। तो अब ध्यान क्या रखना है साहब, रूट स्टॉक हमने तैयार करा लिया, रूट स्टॉक को हमें देख लेना कि हमारा रूट स्टॉक कम से कम 3 से 4 महीने का हो गया और उसकी जो मोटाई है वो पेंसिल के बराबर हो गई, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का उसका डाया हो जाए तो उस डाया का मान लेते हैं कि वो हमारा स्टैंडर्ड रूट स्टॉक है। अब इसके बाद हमें जब साइन लेना है तो हमें उन पौधों को साइन लेने से पहले कुछ 2-4 सस्य क्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट वो करनी होती हैं, वो था उनकी अच्छी छटाई कर दें। छटाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो मदर स्टॉक से जो नए कल्ले निकलेंगे और वो 2-3 महीने पुराने जो कल्ले होंगे वो बहुत ही ओजस्वी होते हैं, तो उनको आप छांट लें, उनकी पत्तियों को काट के ख़त्म कर दें और उनके ऊपर आप जो है ऊपर से थोड़ी सी काट दें। जैसे ही आप उसका टिप कट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की बड में थोड़ा सा फुलाव आने लगता है, इसका मतलब इसके अंदर अब बड बनने की तैयारी हो गई है। और आप उस वहाँ से लकड़ी को लेके, सिंपल तकनीक है वेज ग्राफ्टिंग की, तो वेज ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं करना है, रूट स्टॉक का ऊपर का हिस्सा आपको काट देना है, उसके अंदर जो आपकी जो नाइफ होती है जिसे हम बडिंग नाइफ कहते हैं वो ले लें या साधारण चाकू जो बढ़िया धारदार हो उसको लेके आप उसमें बीच में एक 4 इंच का कट लगा दें और जो आपका साइन वुड है उसमें एक पतला चीरा दोनों तरफ से लगाएं, जैसे वो पतला सा वेज की तरह बन जाए, दोनों तरफ से पतला सा हो जाए और उसको उसके अंदर बिठा दें। ये भी 4 इंच के आसपास का रखेंगे। बिठाते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रूट स्टॉक का कैम्बियम है और साइन का कैम्बियम है दोनों एक साथ आपस में मिल जाए और मिलने के बाद फिर उसको पॉलीथीन की पतली पट्टी से उसको अच्छी तरीके से आप बांध देंगे जिससे कि वो मजबूती से आपस में जुड़ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको जुड़ाव अच्छा हो और फिर उसको अगर आपके पास शेडिंग नेट है उसके नीचे डाल दें और 3-4 महीने के अंदर देखेंगे ये जुड़ाव परिपक्व हो जाएगा और उसमें से फुटाव शुरू हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि साहब करें कब, ये बातें तो बहुत हो गई लेकिन करें कब। अब जैसे बेल है तो बेल का पौधा अगर आप शुरू करना चाहें तो हम मार्च अप्रैल से बेल में शुरू हो जाएँ, फिर जुलाई अगस्त का जो सीज़न आता है उसमें हम आम ले लें, अमरूद ले लें, हैं ये सारी चीज़ें जो फसलें हैं वो हमारी आ जाएंगी। उसके बाद फिर आता है कि जब जाड़े शुरू हो जाएं तो हम क्या करें, तो हम वो नींबू प्रजाति ले लें, तो जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना आ रहा है वहाँ पे हम नींबू की प्रजातियाँ ले लें तो इनका भी हम कलम तैयार करें। और कभी कभी कुछ किसान भाइयों ने पॉली हाउस या शेड नेट बना रखे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, जिस मौसम में चाहे बेमौसम में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा पॉली हाउस मैं भी बता दूं आप कैसे बना सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर दिसंबर या जनवरी में अगर आपको वेज ग्राफ्टिंग करनी है अमरूद में और आम में, तो आप एक छोटी सी पन्नी ले लें, जिसे हम कुल्फी ढकने के लिए पन्नी नहीं होती, कुल्फी जिसमें आती है वो पन्नी ले लें और वेज ग्राफ्टिंग करने के बाद खुले में उस पन्नी से उस ग्राफ्ट को ढक दें और नीचे रबड़ बैंड से बांध दें, तो आपका छोटा सा एक पॉली हाउस हो गया कि नहीं हो गया। और ये ध्यान रखिए कि ये जब पन्नी लगाएं तो कोशिश ये करें कि 3-4 दिन 5 दिन बाद उसको देखते रहें और जैसे ही उसमें फुटाव आना शुरू हो तो उस पन्नी को जरूर निकाल दें, अन्यथा फिर वो पॉली हाउस आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये ध्यान अगर हम किसान भाई रखें तो पूरा हमारा जो फरवरी मार्च से लेके और पूरा नवंबर दिसंबर तक हम इस ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और उसके अनुरूप पौधों को हम व्यावसायिक रूप से मार्केट में ला सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी ज्योति भाई आपने दिया, किसान भाई इसका अनुकरण करें। अच्छा लगता है
तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सवाल कोई हो तो दीजिए, ताकि हम आपके सवालों को लेकर फिर आपके पास आ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।